Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमने समझ लिया है, इसकी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स. आज हम इसका रिवीजन करेंगे. ठीक है, सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत सारी, कोई एंड पॉइंट नहीं है नेचुरल नंबर का. ठीक है, सो ऐसा नंबर्स का ग्रुप जो 1 से स्टार्ट होता है, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है. सो ये ग्रुप कहलाता है नेचुरल नंबर. ठीक है, इस ग्रुप को कहा जाता है नेचुरल नंबर. अब इस नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को इंक्लूड कर दें, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तरह से कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो अब देखिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर में हमने 0 को इंक्लूड किया है, तो अब ये जो ग्रुप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स. ठीक है, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है? होल नंबर्स. दैट मीन्स होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 0. ठीक है, सो दिस इज होल नंबर ग्रुप, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो द नंबर 0 टुगेदर विद द काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स में 0 भी हो तो गिव्स अस द नंबर्स, ये नंबर हमें फाइंड होंगे विच आर कॉल्ड होल नंबर्स. दैट मीन्स ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स. ठीक है, यदि हम 0 को हटा दें तो ये सब क्या नंबर्स, कैसे नंबर्स है? वेरी गुड, नेचुरल नंबर से. तो 0 इंक्लूड कर दिया तो कैसे नंबर से? ये होल नंबर से. ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर, देखिए होल नंबर ये है 0, 1, 2, 3, 4. यदि 0 को हटा रहे तो क्या है? नेचुरल नंबर. दैट मीन्स होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है ना, नेचुरल नंबर है होल नंबर से, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर. तो हम सभी नेचुरल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो सारे नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे? होल नंबर्स. बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, है ना. तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, बट सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे. ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर. दैट मीन्स होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या है? 0 है, बट इसका लार्जेस्ट होल नंबर हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज काउंटिंग जो नंबर से हमारे वो बहुत ही अनंत इंडेफिनेट है. ठीक है, बहुत दूर तक गिनती है. सो इसका स्मॉलेस्ट नंबर तो हम बता सकते हैं कि 0 है, बट देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, इसका लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है. ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है. सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट. होल नंबर क्या होते हैं? सो नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ये जो ग्रुप कहलाता है होल नंबर्स कहलाता है. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे, बिकॉज 0 जो कि नंबर होल नंबर में होता है बट नेचुरल नंबर में नहीं होता है. क्लियर दैट? अब नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन. देखिए नंबर लाइन, हम वी नो दैट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स सॉल्व किए थे, नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए थे नंबर्स को. ओके, सो द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ होल नंबर लाइन ऑन विच होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड. एक लाइन ड्रॉ करना है, देन उस पर मार्क करना है, देन हम होल नंबर्स को यहाँ पर दिखते हैं. ठीक है, सो ये नंबर लाइन क्या कहलाती है? जब लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये नंबर लाइन कहलाएगी. ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा है 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 कैसा नंबर है? होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है. 0 डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर होल नंबर. 0 का प्रीडिसेसर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट 0 and 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस. देखिए 0 और 1 इसके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस. इस तरह 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस
इसको भी हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस, दैट मीन्स टू होल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, टू और थ्री की के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे, टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स टू नंबर्स, टू होल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयरिंग टू होल नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग टू होल नंबर्स। टू होल नंबर्स में कंपेयर करना, स्टूडेंट कंपेयर करना दैट मीन्स तुलना करना कि हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लाइन, नंबर लाइन की हेल्प से सीखते हैं। देखिए नंबर लाइन पर होल नंबर्स मार्क किए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देखिए एरो लग रहा है, एरो लग रहा है दैट मीन्स ये लाइन और एक्सचेंज हो सकती है, यहाँ पर इसका एंड नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर कंपेयर करना सीखेंगे। सो देखिए यहाँ पर 0 के बाद 1, 1 से 2, 2 से 3, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 बड़ा है ग्रेटर देन है 2 से, 2 ग्रेटर देन है 1 से, दैट मीन्स राइट साइड में जब हम वे करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स इधर नंबर ग्रेटर देन होते हैं, देन लेफ्ट साइड में नंबर ग्रेटर देन नंबर से, सॉरी राइट साइड नंबर से स्मॉलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 के बाद लिखा है 5, 5 से बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, ओके 7 इज ग्रेटर देन 4, बट 1 इज लेस देन 4। ठीक है, सो जिस भी नंबर को कंपेयर करना है हमें, तो हमें ये सर्च करना होगा कि वो राइट साइड में मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ओके तो ग्रेटर देन होगा, एंड लेफ्ट साइड में तो लेस देन होगा। ठीक है, डज इट हेल्प यू टू नोटिस दैट द ग्रेटर ऑफ एनी टू होल नंबर इज द वन विच लाइंग टू द राइट ऑन द लाइन, लाइन के राइट पर, ओके एंड अदर ऑन द लेफ्ट इज द स्मॉलर नंबर, लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर है और राइट साइड में कैसे नंबर है, ग्रेटर नंबर है। सेंस 5 इज टू राइट ऑफ 3, वी कैन से दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, सेंस 7 इज टू द लेफ्ट ऑफ 9, वी कैन से दैट 7 इज लेस देन 9। देखिए 7 9 से लेफ्ट साइड में, तो 7 लेस देन है 9 से, ओके अब 7 की बात करें तो 9 से इन दोनों में कंपेयर करना है तो 9 इज ग्रेटर देन 7, राइट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर में कंपेयर करना चाहते। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स को नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं, सो वी नो दैट, ओके रिवाइज करते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो हमें किन नंबर्स को ऐड करना है, 7 + 4, इसका ऐड ए 7 और 4 को ऐड करना है। ठीक है, सो हमें नंबर लाइन बनाना होगी सबसे पहले, सो नंबर लाइन इज, नंबर लाइन बनाएंगे, इस पर हम होल नंबर्स को मार्क करेंगे। ठीक है, जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्कोर आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, 11, 12, 13 और एक्सटेंड हो सकती है ये। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है 7 + 4, पहले 7 हम फाइंड करेंगे, सो 0 से 7 पर हम चलते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें 0 से 7 पे जाना है, सो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर है, सो हम फर्स्ट स्टेप में 0 से 7 पर जाएंगे। ठीक है, अब 7 के बाद 4 और है, दैट मीन्स प्लस 4 करना है, दैट मीन्स 7 स्टेप के बाद 4 स्टेप्स और, 1, 2, 3, 4, सो 7 के यहाँ पर आकर के हमें फर्स्ट स्टेप में 7 तक आए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमें 4 स्टेप्स आगे बढ़ना है, तो हमने काउंट की 1, 2, 3, 4 हम यहाँ पर आए हैं, तो 11, सो 7 से नेक्स्ट स्टेप में हमने एक और स्टेप की 11, तो 0 से हम कहाँ पहुँचे, 11। होता है इसी तरह सब्ट्रैक्शन, सो एग्जांपल लेते हैं 7 - 4, ओके सो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर होल नंबर्स को, नंबर लाइन पर होल नंबर्स को मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पर इस एरो नहीं लगेगा, है ना, गलती से लग दिया है यहाँ पर एरो का, दैट मींस इस तरह पर एक्सटेंड हो रही, बट होल नंबर्स तो 0 से ही स्टार्ट होते हैं।
ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से ही स्टार्ट, इससे आगे और कोई नंबर नहीं है होल नंबर्स की ग्रुप में। ओके, तो हमें यहाँ पर जीरो देन वन देन इस तरह से हमें नंबर लाइन पर होल नंबर्स को मार्क करना है। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और आगे की ओर एक्सटेंड हो सकती है और होल नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए हमने एरो लगाया है, यहाँ पर एरो नहीं लगेगा बिकॉज जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, सो जीरो से हमने नंबर होल नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। अब हमें सेवन माइनस फोर मीन्स सेवन में से फोर को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं तो हम राइट साइड में मूव करते हैं। ठीक है, राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड की ओर हम जाते हैं और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में आते हैं। ओके, सो देखिए सेवन माइनस फोर करना है, दैट मीन्स हम पहले जीरो से सेवन की ओर चलेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमेशा हमेशा हमें कहाँ जाना होता है, राइट साइड में। ठीक है, सो जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फर्स्ट स्टेप में हमें जीरो टू सेवन पर पहुंचना है। ठीक है, अब माइनस फोर, देखिए फोर कम करना है सेवन में से, कम करना है दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हमें रिटर्न आना होगा। कितनी स्टेप्स, फोर स्टेप्स, सो वन टू थ्री फोर, तो सेवन से हम वापस फोर स्टेप्स पीछे आए तो हम आ गए थ्री पे। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। दैट इज वेरी सिंपल। जब भी हमें एडिशन करना है नंबर लाइन की हेल्प से तो हमें एडिशन करने के लिए फर्स्ट नंबर जितने भी डिजिट है उतने स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे, देन प्लस फोर है मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर है तो प्लस है, तो दैट मीन्स हमें और राइट साइड में मूव करना है उतनी ही स्टेप जितना कि नंबर लिखा गया है। ठीक है, देन सबट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट में जो सेवन फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है उसके लिए हमें राइट साइड में जाना होगा। ओके, देन सबट्रैक्ट करना है दैट मीन्स माइनस करना है, दैट मीन्स कम करेंगे, कम करना है दैट मीन्स हमें लेफ्ट साइड में हमें आना होगा। ठीक है, सो सेवन पर जा कर के हम इसलिए फोर स्टेप्स लेफ्ट साइड में आए रिटर्न। ओके, सो दैट मीन्स थ्री पर पहुँचे, तो जहाँ पर हम पहुँचेंगे वहीं हमारा आंसर होगा। सो सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, क्लियर दैट। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे नंबर लाइन पर। ओके, नंबर लाइन की हेल्प से, सो वी नो दैट कि नंबर लाइन होल नंबर्स की नंबर लाइन जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, और आगे बहुत दूर तक एक्सटेंड है, बहुत आगे तक है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, बहुत बड़ी नंबर लाइन है, सो यहाँ पर हम होल नंबर्स को मार्क करेंगे। ओके, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और एरो लगा दिया, दैट मीन्स और आगे तक है यहाँ पर नंबर्स। ठीक है, अब हमें देखिए टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है, सो टू पहले तो जीरो से टू पर चलेंगे। ओके, टू पर चलेंगे, जीरो से टू देन थ्री। देखिए स्टूडेंट, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है, दैट मीन्स टू को थ्री टाइम लिखना है। ओके, टू को थ्री टाइम लिखना है, तो फर्स्ट में जीरो टू टू देन वन टू, सो ये सेकेंड टू वन टू, ये थर्ड टू मीन्स वन टू थ्री, टू टू स्टेप हम थ्री टाइम्स आए बिकॉज हमें यहाँ करना था टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स टू को थ्री टाइम्स लिख करके ऐड करना है, थ्री टाइम्स लिख करके ऐड करना है। सो नंबर लाइन पर मल्टीप्लाई करने के लिए टू मल्टीप्लाई बाय थ्री लिखा है दैट मीन्स टू को थ्री टाइम्स लिखना है, तो जीरो से टू फर्स्ट जंप, देन टू से फोर सेकेंड जंप, देन फोर से सिक्स थर्ड जंप, तो हम कहाँ पहुँचे, सिक्स पर, सो दैट इज आंसर। ओके, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू भी सिक्स होता है, सो यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू लिखेंगे तो हम थ्री स्टेप्स बढ़ेंगे टू टाइम्स पर। ओके, सो इस तरह से बनेगा, मिलेगा हमें सिक्स मिलेगा, क्लियर दैट। सो नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन करना वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्शन करना दैट्स वेरी सिंपल, एंड मल्टीप्लाई करना भी सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, होल नंबर की प्रॉपर्टीज। सो ये प्रॉपर्टीज हम फोर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स में। ओके, सो प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सो एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन. एडिशन के अंदर क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन. दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, यदि ए और बी कैसे होल नंबर से दो अलग अलग, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो होल नंबर. दैट मीन्स ए और बी दो होल नंबर है, तो इनका एडिशन भी क्या होना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए. ठीक है, सो ए प्लस बी इज जो एडिशन है, सम है, वो भी कैसा होना चाहिए? होल नंबर. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिशन ऑफ होल नंबर इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 10 इज अ होल नंबर प्लस 8 इज अ होल नंबर. अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सो बना 18 भी क्या है? होल नंबर है. ठीक है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. सो प्रॉपर्टी अप्लाई कब होती है? जब क्लोजर प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो भी कैसा आएगा? होल नंबर आएगा. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एडिशन में. अभी हम केवल एडिशन की बात कर रहे हैं. एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, देन 6 प्लस 6 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 इज अ होल नंबर. देन 0 इज अ होल नंबर प्लस 16 इज अ होल नंबर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 16. ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी. याद रखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इसके अंदर दो होल नंबर्स को यदि हम सम कर ऐड करते हैं तो सम आएगा, वो भी कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स द एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज कम्यूटेटिव. दैट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एनी टू एडेंट्स द नंबर विच आर एडेड डज नॉट अफेक्ट द सम. दैट मीन्स यदि दो होल नंबर है इस तरह है ए एंड बी, सो ये हमने एक जनरल नेम दिया है होल नंबर का. वी नो दैट होल नंबर बहुत सारे होते हैं, जीरो से लगा करके बहुत सारे होल नंबर्स होते हैं, तो हमने जनरल वे में कह दिया कि ए और बी कैसे हैं होल नंबर से, ऐसे होल नंबर से कि इनको जब सम करें ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए करें तो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब नंबर्स को जिनको हम सम कर रहे हैं, जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनका यदि प्लेस, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी बी प्लस ए, तो जब उनको उनके ऑर्डर को चेंज किया जाता है तो भी इनका सम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए, कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. क्लियर दैट? फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 और 2 लिए हैं, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? 5. और 2 प्लस थी, देखिए इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले लिख लिया, 3 बाद में लिखा, तो भी कितना हो रहा है? 5. दैट मीन्स कैसा है? इक्वल है. ठीक है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, दैट मीन्स जिन भी दो होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं होल नंबर्स को यदि ऐड कर रहे हैं, उनका यदि ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी उनका सम कैसा होगा? इक्वल होगा. ठीक है, दैट मीन्स 17 प्लस 0 दोनों होल नंबर है, हमने यहाँ पर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17. क्लियर दैट? इसी तरह 39 प्लस 84 या फिर 84 प्लस 39 इज इक्वल. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें एडिशन के अकॉर्डिंग सम कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर और यदि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करें तो उनका जो सम है वो इक्वल होता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सो दैट इज द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव. द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव, दैट मीन्स द सम ऑफ एनी थ्री होल नंबर्स रिमेन्स सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग. देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं. इफ ए बी सी, ये अल्फाबेट लिए हमने होल नंबर्स के लिए, कोई से भी होल नंबर्स हो सकते हैं इनकी जगह,
ठीक है। तो ए बी सी आर एनी होल नंबर्स, कोई भी होल नंबर्स हमने माना कि ए बी सी के से होल नंबर्स है। देन अब हम जब इनकी ग्रुपिंग करते हैं, देखिए ए प्लस बी ग्रुप प्लस ब्रैकेट प्लस सी, दैट मीन्स इस ब्रैकेट से बाहर की तरफ है सी, ओके। अब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए को बाहर कर दिया और बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिख लिया, तो इनका एडिशन कैसा होगा, सेम। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर दैट, दैट इज वेरी सिंपल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम ऑर्डर का, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यदि ग्रुपिंग की जाए और ग्रुप्ड चेंज किए जाए तो भी एडिशन कैसा होगा, सेम इक्वल होगा। क्लियर दैट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फोर फाइव और थ्री, थ्री नंबर लिए हैं तो ग्रुपिंग कर रहे हैं, फोर प्लस फाइव को एक साथ ऐड करेंगे देन प्लस थ्री करेंगे, सो फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री एज इट इज, ओके। अब नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व, अब ये ग्रुप सॉल्व हो गया। अब देन हम फाइव और थ्री का ग्रुप बनाएंगे देन फोर को अलग रखेंगे, सो फोर प्लस फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, फोर और एट कितना हो गया ट्वेल्व। देखिए सेम है, दैट मीन्स ये क्लोजर, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि ग्रुप चेंज करने पर भी आंसर सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फॉर एडिशन, क्या होता है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। सो हाउ इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट इज जस्ट प्रेजेंस ऑफ जीरो इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, दिस नंबर जीरो हैज अ स्पेशल रोल इन एडिशन, एडिशन फॉर आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है कि जब हम होल नंबर में ऐसा नंबर जोड़े कि हमें जो आंसर है वही नंबर मिले, ओके। तो जीरो क्या कहलाता है, ऐसा नंबर कौन सा होगा जीरो, ऐसा जीरो नंबर इसलिए होगा कि इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम वन में जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा वन, थ्री में जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा थ्री। तो कोई भी होल नंबर में यदि जीरो को ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। दैट मीन्स जीरो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी एडिशन के लिए। क्लियर दैट मीन्स हमें जो नंबर ऐड कर रहे हैं वही वापस मिल रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। किसकी वजह से, जीरो की वजह से, ठीक है। तो जीरो आइडेंटिटी कहलाता है एडिशन के लिए। क्लियर दैट। सो लुक द टेबल, देखिए सेवन प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है सेवन, सेवन फाइव प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है फाइव, जीरो प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू कितना आ रहा है फिफ्टीन। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ नंबर टू जीरो इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, सिंस जीरो एडेड टू एनी नंबर डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी फॉर दैट नंबर। मीन्स जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, दैट मीन्स सेवन तो सेवन ही आया, फाइव तो फाइव ही आया, फिफ्टीन है तो फिफ्टीन ही आया इक्वल टू में, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सो डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी फॉर ऑफ दैट नंबर, वी कॉल जीरो एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जीरो को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज इफ ए इज अ होल नंबर देन ए प्लस जीरो इक्वल होगा जीरो प्लस ए इक्वल टू ए के, ठीक है। ये इक्वल होगा, इसका ऑर्डर चेंज किया है तो भी क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। सो स्ट्रेन आज के लिए इतना ही, आपको आज जो हमने पढ़ा है एडिशन के लिए प्रॉपर्टी, सो आप उनको पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2.1 असाइनमेंट 2.1 सॉल्व कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।